राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला पिछोर का खंड शीत शिविर का आयोजन 2 जनवरी से 4 जनवरी तक छत्रसाल स्टेडियम के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण खंड से स्वयंसेवक बंधु सहभागिता कर रहे हैं, जिसमें वह 3 दिन तक रुककर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जहां उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस विषय में भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी। ये शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की रुकने ठहरने की एवं खाने पीने की व्यवस्था भी संघ द्वारा की जा रही है। इस शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 300 से अधिक स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह आज पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में शिविर की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वरिष्ठ स्वयंसेवक विकास भार्गव ने बताया कि इस तरह का शिविर बड़े बड़े महानगरों में लगाया जाता है। पिछोर को संघ की दृष्टि से जिला बनाया गया है, इसलिए पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में ये शिविर का आयोजन किया गया है। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। भाई साहब, ये जो शीत शिविर लगाया जा रहा है, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? संघ अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह वर्धन के लिए और संघ की नई भर्ती के उद्देश्य से शीतकाल में कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए इस वर्ष प्रतिवर्ष आयोजित करता है। अभी तक ये जिले स्तर पर आयोजित होते थे, अब संघ ने तय किया है कि प्रत्येक खंड में यह आयोजन किया जाए। तो पिछोर में, पिछोर संघ की दृष्टि से जिला है, तो पिछोर में जो पिछोर खंड है, उस खंड का और पिछोर नगर का सामूहिक ये शीत शिविर है। ये आज शाम को 4:30 बजे से आरंभ है और 4 तारीख तक ये चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे और एक शारीरिक प्रदान कार्यक्रम भी होगा, जिसका प्रकटीकरण होगा। समाज से अपेक्षा है कि वो इसमें आए और देखें कि संघ लोगों को किस तरह से प्रशिक्षित करता है और क्या क्या चीज़ें सिखाता है। लगभग कितने लोग इसमें जुड़ेंगे? हाँ, अपेक्षित संख्या हमारी 350 के लगभग है और देखते हैं 350 के लगभग संख्या इसमें रहना चाहिए। 300 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं और 30 से 40 लोग इसमें व्यवस्था में रहने वाले हैं।